हिमाचल प्रदेश से मिल रहा है ये बड़ा अपडेट, क्योंकि लगातार जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 68 सीटों को लेकर यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और अभी 68 सीटों पर ये काउंटिंग चल रही है सुबह 8 बजे से, और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उस पर बीजेपी को 36 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। बड़ा अपडेट है ये हिमाचल को लेकर। कांग्रेस 32 सीटों पर आगे चल रही है, यानी जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त है 36 सीटों पर और कांग्रेस अभी फिलहाल 32 सीटों पर आगे दिख रही है। तो 68 सीटों को लेकर ये काउंटिंग हो रही है। कांटे की टक्कर हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। तमाम एग्जिट पोल्स और सर्वे जो निकलकर सामने आए थे उसमें भी यही कहा गया था कि कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, तो उस पर ये कहीं ना कहीं जो रुझान है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं कि हाँ कांटे की टक्कर है हिमाचल प्रदेश में उन 68 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हालांकि पहले ही ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ कांटे की टक्कर देगी, लेकिन पार्टियों का एक्साइटमेंट भी इसे निकलकर सामने आ रहा है रुझानों के जरिए ही केवल, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने आप को अब ये समझ रही है कि यहाँ पर जीत जो है हमारी पार्टी की होगी, क्योंकि रुझानों में कभी कांग्रेस 1-2 सीट आगे भी दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल बीजेपी आगे दिख रही है रुझानों में, कांग्रेस थोड़ा पीछे है, लेकिन जीत को लेकर कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है। तो अब देखना यही है कि हिमाचल में क्या रिवाज बरकरार रहता है 5 साल में सत्ता बदलने का। अगर ऐसा है तो उसी को लेकर कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है कि बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी और कांग्रेस के हाथों में सत्ता की चाबी आएगी। लेकिन कांटे की टक्कर है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि परिणाम क्लियर तौर पर निकलकर सामने नहीं आ पाते हैं। अभी तो ये सिर्फ रुझान है और इसमें ये आगे पीछे जो काउंटिंग है ये चलती रहती है, कभी कोई पार्टी इसमें आगे नजर आएगी तो कभी कोई पार्टी आगे नजर आएगी। जैसे कि अभी फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 36 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर आगे दिख रही है, लेकिन रुझान धीरे धीरे बदलेंगे और फिर फाइनली जब रिजल्ट आएगा तब क्लियर होगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीत की ओर आ गई है और कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ हिमाचल में इन 68 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब देखना यही है कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से यहाँ सत्ता पर काबिज हो पाती है या फिर बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने में फिर से कामयाब हो जाती है, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। मुकाबला बेहद रोचक है यहाँ हिमाचल में, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है, तो किसी भी पार्टी के लिए नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी जीतेगी या जीत सकती है, क्योंकि रुझान है आगे पीछे हो रहे हैं।